व वरम उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफ़िया से होंगे आज एक और न्यू वीडियो लेके आपकी ख़िदमत में हाजिर हूँ और ये वीडियो जो है ये ड्राइविंग के हवाले से ही है क्योंकि जितनी वीडियोज़ भी है मैं ड्राइविंग के हवाले से ही बना रहा हूँ तो ये वीडियो भी आजकल के हिसाब से जो आजकल जो मामला चल रहे हैं जो ड्राइविंग या ट्रैफिक रूल के ऊपर जो बात हो रही है या जो जुर्मानों के ऊपर आजकल जो बातें चल रही हैं तो उसके हवाले से और उसमें एक चीज़ दोस्तों के आजकल जो है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी भी है जदीद दौर भी है लेकिन जो पहले दौर था उसमें या पहले जो चीज़ें थी वो क्या था कि हमको जुर्माने होते थे लेकिन इतना वो ज़्यादा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं था लेकिन वो क्या था कि अगर किसी पुलिस वाले ने ट्रैफिक वाले जो आदमी है ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो वो जुर्माना कर देते थे लेकिन अभी जो सिस्टम अभी जो है जो अभी चल रहा है जो अभी लगा रहे हैं नया ये क्या है कि ये कैमरे फिक्स कर रहे हैं जिस तरह ये अभी कैमरे फिक्स करने के लिए जो मरूर है और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं कि वेबसाइट है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये बार बार बता रहे हैं आवाम को बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बचें और ये गलतियां ना करें ठीक है तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये सबसे पहले जो है अभी हम लोग ये बड़े तीन शहरों के अंदर ये चीज़ें जो है ये चालू कर रहे हैं ये जो कैमरे हैं ये अभी इनको लगा लगा के इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर चालू करेंगे ताकि आवाम को इन, इनसे जो है मोनिटर करेंगे ठीक है दोस्तों तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है जिद्दा और दूसरे नंबर पर है दोस्तों रियाज और तीसरे नंबर पर है दोस्तों तमाम तो ये तीन बड़े शहरों के अंदर जो है ये कैमरे भी जो है ये लगाए जा रहे हैं कुछ उस जगह तो कुछ हाईवेज पे लग गए हैं ठीक है दोस्तों और कुछ जगह पे ये लगा रहे हैं आहता आहता करके तो ये जो अभी कानून ये जो अभी ये इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने की जो जो इसकी तरतीब है जो ये रूटीन है ये है ग्यारह नवंबर से जो है इन्होंने शुरू की है ठीक है ना ग्यारह नवंबर दो हज़ार बीस ठीक है उससे पहले मतलब नॉर्मल चल रही थी लेकिन वो इतना उसके ऊपर अमल दरामद था लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उस, उसके दौरान वैसे नॉर्मली नहीं थी ठीक है तो इसलिए दोस्तों अभी खुद भी एहतियात करें और दूसरे दोस्तों को भी बोलें तो जितने भी जो दोस्त ड्राइवर हजरात हैं जितने भी चाहे वो आपकी कंपनी की गाड़ी है आपकी पर्सनल गाड़ी है आपकी जो है कफील की गाड़ी है कोई भी है तो आप बराए मेहरबानी बराए करम अपनी एहतियात कीजिए और अपने आप को मुखालफे और जुर्मानों से बचाइए ठीक है दोस्तों और इसमें भी जो जुर्माने हैं इसमें तकरीबन आपको बीस किस्म के जुर्माने हैं तो मैं इन दो तो इन वीडियो को मैं जो बीस किस्म के जुर्माने तो मैं एक वीडियो में नहीं बताता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि दो वीडियो बना दूं अलग अलग करके ठीक है तो जिसमें से पहली जो दोस्तों हैं इसमें आपको है कि जो जुर्माने हैं वो तीन सौ रियाल से लेके पाँच सौ रियाल तक के जुर्माने जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें ठीक है दोस्तों तो इसमें तीन सौ से पाँच सौ रियाल तक के जो जुर्माने हैं इनमें सबसे पहला जुर्माना है दोस्तों जो हम लोग जो सिग्नल के ऊपर है वो लाइन गलत क्रॉसिंग करते हैं मतलब कि हमको सिग्नल के ऊपर खड़े हुए हैं राइट साइड पे और हमको जाना है लेफ्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे यू टर्न लेना है या आपको लेफ्ट साइड पे रोड पे जाना है हाईवे पे जाना है तो या हम राइट में लेफ्ट में खड़े हुए हैं और हमको जाना राइट साइड पे है ठीक है हम ल, 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 फास्ट ट्रैक की लास्ट लाइन में खड़े होते हैं ठीक है तो इस तरह करके इसके ऊपर ये अभी बड़ी सख्ती से मना किया गया है इसके ऊपर जो है ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे उन्होंने बताया है कि अगर आपको जाना है तो अगर आप पहली लाइन के अंदर हैं तो आप राइट साइड पे जा सकते हैं सीधा जा सकते हैं ठीक है ना और दूस तीन लाइनें हैं पहली लाइन पे आपको राइट साइड पे जाना है और दूसरी लाइन पे आपको सीधा क्रॉस करना है और तीसरी लाइन पे आपको यू टर्न और लेफ्ट लेना है ये तीन चीजें अभी जो है इनमें अभी एक नंबर पे है इनका जुर्माना जो है वही है तीन सौ रियाल से डेढ़ सौ रियाल तक तो ये अभी जहां जहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं ठीक है तो इसके ऊपर जुर्माने भी अभी वो डालना दे, देना शुरू कर देंगे आपके नंबर प्लेट के ऊपर ठीक है दोस्तों तो उसके लिए आपको रोकने की जरूरत नहीं आपकी नंबर प्लेट बस उनके पास आ जाएगी वो गाड़ी देख लेंगे क्लास उनके ऊपर जुर्माना भेज देंगे आपको तो इसीलिए आपको अभी कभी भी जाना है हाई जो सिग्नल के ऊपर खड़े होना है तो भले उसके ऊपर दो से तीन मिनट लग जाएँ पाँच मिनट लग जाएं दस मिनट लग जाएं ट्रैफिक ज़्यादा हो नो प्रॉब्लम लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी एक ही लाइन को अंदर जाएं जिस तरह अगर हमने राइट जाना है तो हमें क्या करना है कि राइट जाने के लिए हमको हमें कम से कम सौ से डेढ़ मीटर पहले ही अपनी लाइन में रहना चाहिए न कि हम लोग बिल्कुल लास्ट में जाके हम लोग राइट ले लें लेफ्ट ले लें या सीधा जाना जो भी ठीक है दोस्तों तो ये आप लाजमी अभी इस पर एहतियात कीजिए नहीं करेंगे तो इसका जुर्माना भी आ सकता है क्यों अगर हम रूटीन बनाएंगे तो इसलिए हम इससे बच सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये एक हो गया और दूसरा नंबर पर इसका है जो है वो है हमको किसी भी लाइन में हाई वे कीपर हैं या सर्वस रोड कीपर हैं तो एकदम से हमको राइट या लेफ्ट नहीं जाना ठीक है दोस्तों ना पहले क्या होता था कि पहले भी मतलब तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ चीज़ या, याद आ गई है हम हाँ इन्हें नहीं कुछ जिस तरह टैक्सी वाले हो गए हैं या दूसरे कोई हो गए हैं या कोई भी गाड़ी आपकी है तो वो क्या होता है कि हमें हाँ कुछ चीज़ याद आ गई चलो भाई फ़ौरन से ही गाड़ी को राइट ले, ले लेते हैं हम पीछे नहीं देखते पीछे गाड़ी है कि नहीं है बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है फिर बाद में मुश्किल हो जाता है सही है ना तो इसी तरह लेफ्ट में जाना है तो मतलब राइट में जा रहे हैं सीधे जा रहे हैं सड़क एकदम से हमको लेफ्ट में याद आ जाता है तो ये करना भी बंद करते हैं दोस्तों ये दूसरी कैटेगरी में मतलब तो इसमें जो है इसमें भी तीन सौ रियाल से लेके 500 पाँच सौ रियाल तक का जुर्माना है ठीक है दोस्तों और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर है वो है जैसे ही हमको हाईवे से राइट में जाने के लिए या जो सर्वस रोड से हाईवे पे जाने के लिए पीछे से ही पहले आना है कम से कम नेक्स्ट सौ डेढ़ सौ किलोमीटर पहले से ही मीटर से हमको जो है वो पहले राइट या लेफ्ट में अपनी लाइन में रुकना है अगर नहीं रुक सकते जिस तरह अगर हमने येलो लाइन जो है उसके ऊपर से अगर हम लेफ्ट या राइट कर क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा उसका भी हमको फाइन तीन से पाँच सौ तक का आ जाएगा ठीक है दोस्तों और दूसरा क्या है कि दोस्तों जो एक इसके बाद एक और चीज़ है कि जो हाईवे है या सर्वस रोड है कोई भी रोड है उसके ऊपर जा रहे हैं सीधे जा रहे हैं लेकिन कुछ भी ख्याल आ गया या कुछ याद आया तो हमने फ़ौरन से ब्रेक लगा दी तो ऐसा अभी नहीं करना दोस्तों क्योंकि अभी कैमरे लगे हुए हैं सी कैमरे जगह जगह पे तो अगर हम ऐसा जानबूझकर करेंगे या किसी को तंग करने के लिए जिस तरह हम एक गाड़ी ने हमको चेज किया है तो उसके बाद फिर उसने हमारे आगे आके ब्रेक लगा दी तो हम भी जाके उसके उसको चेज करके उसके आगे ब्रेकें लगाना शुरू कर देंगे तो उसका क्या है कि वीडियो बना लेंगे कोई भी आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है तो क्या होता है कि वीडियो बना के वो मरूर की वेबसाइट में डाल देंगे तो आपको मरूर आपके कहीं भी जिस जगह पे आप रहते हैं आपको मरूर आके वहां पे आपकी गाड़ी के ऊपर फाइन देके चला जाएगा ठीक है तो इसका भी दोस्तों तीन सौ रियाल से लेके पांच सौ रियाल तक का फाइन है ठीक है और इसके अलावा दोस्तों जो सिंगल रोड है उसके ऊपर जिस तरह लिखा हो जिस तरह भी जो सिंगल रोड जितने भी जो हैं जो नॉर्मल हैं उनके अंदर क्या होता है कि उसमें नो एंड जो है ना ओवरटेक माना लिखा हुआ तो उसमें अगर हम लोग ओवरटेक कर लेते हैं चाहे छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी तो ठीक है ना उसके ऊपर ओवरटेक अभी नहीं करना अगर हम कर लेते हैं तो उसका भी जुर्माना हमको भरना पड़ सकता है उसका भी जुर्माना तीन सौ रियाल से पाँच सौ रियाल उसके लिए भी सी सी टी वी कैमरा तकरीबन हर जगह पर अभी मोनिटर कर रहे हैं उसी से ठीक है दोस्तों तो मतलब वो आपको गाड़ी आपकी गाड़ी या अगर उनको आपकी गाड़ी प्लेट नंबर पे कर सकते हैं या आपकी गाड़ी जिस जगह पे भी है आपको वहाँ पे आके मरूर दे के जाएंगे ठीक है दोस्तों और उसके बाद है दोस्तों जो रा जाना एक्स पे जाना उसके लिए पहले डेढ़ सौ था अभी इनका है वो एक्स पे जाने के लिए तीन सौ रियाल से पाँच सौ रियाल है आपको मतलब हाईवे पे चाहे सिंगल हाईवे पे है चाहे डबल है आपको एक्स में नहीं जाना दोस्तों अगर आप जाएंगे तो उसके लिए भी आपको जुर, हर जुर्माना हर जाना भरना पड़ेगा डेढ़ सौ तीन सौ रियाल से लेके पाँच सौ रियाल तक ठीक है और उसके बाद दोस्तों जो है राउंड अबाउट जो जिस तरह जो गोल चक्कर है उसके अंदर भी इन्होंने अभी जो रखा है कि आपको अगर गोल चक्कर में जाना है तो उस गोल चक्कर में जाने के लिए आपको फर्स्ट पहली दूसरी और तीसरी लाइन यूज करनी है तो आपको आपने देखा होगा जितने भी सिग्नल हैं जितने भी जो बड़े रोड हैं उनके ऊपर जो निशान हैं तीर के निशान बने होते हैं जिनमें लिखा होता है जिसमें सीधा जा रहा है और राइट में जा रहा है और उल्टे जहाज पे जा रहा है या लेफ़्ट में इस तरह करके आपको नज़र आता है या यू टर्न उसमें आ रहा है तो जिस लाइन पे जौन सा एरो का निशान तीर का निशान आपको नजर आ रहा है आप उस लाइन के हिसाब से अपने गाड़ी को अपना रूल फॉलो करें बिलफरज राउंड अबाउट पे क्या है कि अभी आपको अगर राइट right में जाना है फर्स्ट कट में फर्स्ट एग्जिट में जाना है तो पहले एग्जिट के लिए आपको पहली लाइन ही यूज करनी है अगर आपको सीधा क्रॉस करना है जो गोल चक्कर तो उसके लिए भी आपको पहली लाइन ही यूज करनी है अगर आपको तीसरा कट यूज करना है तो उसके लिए भी आपको दूसरी और तीसरी लाइन यूज करनी है यू टर्न के लिए भी इसी तरह करके ठीक है और आपकी जो हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको अपने ट्रैक के अंदर ही रहना है ना कि आप मतलब जो वाइट लाइन है उसके अगर सेंटर में आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल भरना पड़ सकता है ठीक है दोस्तों तो इसीलिए हाईवे के ऊपर जाते हुए अपनी लाइन में ही रहें न कि जो सेंटर में जो लाइन होती है सफेद लाइन उसके ऊपर अगर आपने गाड़ी सेंटर में चलानी शुरू कर दी तो उसका भी पीछे वाली दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं पीछे वाली गाड़ियां आगे क्रॉस नहीं कर सकती तो जिसकी वजह से उसका भी आपको फाइन जुर्माना हो सकता है या मतलब कोई भी आदमी आपकी वीडियो बना सकता है या जो सी कैमरा में से पुलिस वाले मरूर वाले देख के आपको फ़ाइन कर सकते हैं ठीक है और उसके अलावा दोस्तों जो फैमिली जितनी भी हैं ये फैमिलीज के लिए भी है इसमें फैमिलीज के लिए क्या है कि अभी

वो आप उसमें बैठाएं अगर नहीं है तो थोड़े बड़े हैं तो उनको पीछे बैठाएं जो तेरह से तेरह साल से चौदह साल से बड़े बच्चे हैं उनको फ्रंट सीट पे अलाउड किया हुआ है उससे छोटे जितने भी हैं उनको पीछे है अगर आप अगर उनको फ्रंट सीट पे बिठाते हैं तो उसका भी जुर्माना आपको 300 रियाल से लेके 500 रियाल तक का देना पड़ सकता है ठीक है दोस्तों और उसके अलावा जो फैमिली हजरात हैं वो अगर जिस तरह बच्चों को एक और चीज जो बच्चों को गाड़ी के अंदर बंद करके गाड़ी के अंदर छोड़ के जिस तरह मॉल है या शॉपिंग के लिए किसी भी मार्केट में किसी जगह पे भी जाते हैं तो पार्क में कहीं भी चले जाते हैं तो बच्चों के अंदर बैंक में गए तो बच्चों के अंदर बैठा के गाड़ी में खुद चले जाते हैं बाहर तो उसके लिए भी कानून में आपको अभी जुर्माना देंगे तीन सौ रियाल से पांच सौ रियाल तक दोस्तों, तो ये अभी जो है ये सब जुर्माने जो है ये अभी इनके ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है ठीक है और इसके बाद अभी जो है एक और जो हाईवे या जो जितने भी ये पहाड़ी इलाके हैं या जिस जगह पे जो ढलवान वाले इलाके हैं या जिस तरह जो अंदर सिटी के अंदर है या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जितने भी जो है उनके अंदर क्या है कि आपकी गाड़ी हाइट पे खड़ी है इस तरह करके तो उसके लिए आपको अगर हैंड ब्रेक या पार्किंग में अपने गाड़ी नहीं डाली हुई तो गाड़ी आपकी जो चल पड़ती है या कुछ नुकसान होता है तो उसकी सूरत में भी आपको तीन सौ से ले कर पाँच सौ तक का हर जाना भरना पड़ सकता है ठीक है दोस्तों तो इसलिए आज ये उम्मीद करता हूँ जो आप अपने सारे ये जुर्मानों के ऊपर थोड़ा एहतियात कीजिए ठीक है और बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी इन दुआओं में याद रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए इनशाला अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको दूसरे जो है आ, जो दूसरे जुर्माने हैं वो इनशाला उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे इन ओके दोस्तों के बाद अलैक्म